इसराइल और हिजबुल्लाह जंग के मैदान में आमने सामने आ चुके हैं और अगर दोनों के बीच युद्ध होता है तो इसके परिणाम बेहद ही विनाशकारी होंगे। सिर्फ लेबनान में ही नहीं बल्कि इसराइल में भी हिजबुल्लाह के हमलों से भारी तबाही आ सकती है, क्योंकि हिजबुल्लाह ने 2 बार अपने जासूसी ड्रोन इसराइल में भेजकर आईडीएफ के सबसे खुफिया ठिकानों की जानकारी जुटा ली है। इसके अलावा हिजबुल्लाह के पास हथियारों का एक ऐसा भंडार है जिसकी वजह से इसराइल के एयर डिफेंस सिस्टम फेल हो सकते हैं। जी हाँ, ये बात हम नहीं कह रहे बल्कि खुद आईडीएफ भी इस बात को कबूल कर रही है कि हिजबुल्लाह को हल्के में नहीं लिया जा सकता। दरअसल इजरायली सेना में एयर डिफेंस के पूर्व कमांडर ब्रिगेडियर जनरल ज़्विका हैमोविच का कहना है कि हिजबुल्लाह के पास रॉकेट हमलों की अंतहीन ताकत है जिसे थकाया नहीं जा सकता। ब्रिगेडियर ज़्विका ने इजरायल के एक ही दिन में 180 मिसाइल लॉन्च करने का हवाला देते हुए कहा कि हिजबुल्लाह एक ही घंटे के भीतर इतने ही रॉकेट और मिसाइलें फायर कर सकता है। आईडीएफ के कमांडर का कहना है कि हिजबुल्लाह ने अभी तक अपनी पूरी ताकत से इजरायल के ऊपर रॉकेट और मिसाइलें नहीं दागी हैं। अभी तक हिजबुल्लाह के सिर्फ 50% हथियार खत्म हुए हैं। हिजबुल्लाह के पास रॉकेट और मिसाइल लॉन्चिंग की ताकत असीमित है जिसे हकीकत में खत्म नहीं किया जा सकता और पिछले 2 दिनों में इजरायल ने जो कुछ देखा है वो हिजबुल्लाह की असल ताकत और उसके हमलों का सिर्फ एक नमूना भर है। आपको बता दें कि इससे पहले आईडीएफ के रिजर्व मेजर जनरल याकोव एमिद्रोर, जो रक्षा सलाहकार और इजरायली सेना के इंटेलिजेंस डायरेक्टोरेट के रिसर्च डिपार्टमेंट के हेड हैं, उन्होंने कहा था कि इजरायल हिजबुल्लाह की ताकत को खत्म करने के करीब तक नहीं पहुंचा है। एमिद्रोर ने इजरायली न्यूज एजेंसी चैनल 24 को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि हिजबुल्लाह के पास करीब 1 लाख रॉकेट्स हैं और अगर हमने 30,000 को तबाह किया तो अभी उनके पास 70,000 रॉकेट बचे हैं जो हमास के रॉकेट से 7 गुना ज्यादा हैं। इसी वजह से तेल अवीव हिजबुल्लाह को हराने या ताकत कम करने से काफी दूर है। वहीं दूसरी तरफ इजरायली मीडिया का दावा है कि हिजबुल्लाह के पास तेल अवीव पर हमला करने की ताकत तो है ही, साथ ही वो इजरायल के एयर स्पेस और बिजली घरों को अस्थिर कर सकता है। इसके अलावा वो आईडीएफ के बेस पर भी हमला कर सकता है और अगर ऐसा होता है तो ये ठिकाने ध्वस्त हो जाएंगे और युद्ध शुरू हो जाएगा। हमने ऐसा पहले भी देखा है। आपको बता दें कि गाजा युद्ध शुरू होने के बाद से ही ईरान ने हिजबुल्लाह को कई बड़े हथियार दिए हैं। इसमें सबसे खतरनाक ईरानी एंटी टैंक मिसाइल आलमास है जो बेहद ही सटीक हमला करती है, लेकिन हिजबुल्लाह के जखीरे में ऐसे अनगिनत हथियार हैं जो इजराइल में एक साथ तबाही मचा सकते हैं। इसको लेकर सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज के आंकड़ों के मुताबिक हिजबुल्लाह के पास करीब 40,000 से 80,000 के बीच कम दूरी वाले अनगाइडेड रॉकेट्स हैं। उसके पास 60,000 से 80,000 के बीच लंबी दूरी के अनगाइडेड रॉकेट्स हैं। इसके अलावा हिजबुल्लाह के पास 20,000 से 40,000 के बीच कम दूरी वाली अनगाइडेड बैलिस्टिक मिसाइलें भी हैं और तो और हिजबुल्लाह के पास 150 से 400 के बीच में कम दूरी वाली गाइडेड बैलिस्टिक मिसाइलें हैं जो तेल अवीव तक पहुंच सकती हैं। हिजबुल्लाह के पास 10 से 50 के बीच मध्यम दूरी वाली अनगाइडेड बैलिस्टिक मिसाइलें हैं और कुल मिलाकर हिजबुल्लाह के पास 1,20,000 से लेकर 2 लाख तक अलग अलग हथियार हैं। हालांकि इजरायली सेना के पास भी हिजबुल्लाह से कई गुना ज्यादा मॉडर्न हथियार हैं। आईडीएफ के पास F-35 लड़ाकू जेट्स और एक मल्टी लेयर वाला एयर डिफेंस सिस्टम है जो लेबनान में नागरिक ठिकानों में हाहाकार मचा सकता है। आसमान में इजरायली सेना काफी ताकतवर है, वहीं हिजबुल्ला इस मामले में आईडीएफ के आसपास भी नजर नहीं आता। आईडीएफ हवाई हमलों में लेबनान में ऐसी तबाही मचा सकती है जो 2006 के युद्ध में भी नहीं मची होगी।